हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद प्रीति। सो जैसे कि बहुत जल्द राखी आने वाला है, इसलिए आज मैं आपके साथ एक रक्षाबंधन मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो होने वाला है अंडर 100 रुपीज़ के अंदर। इस लुक को आप डे टाइम पे आराम से कैरी कर सकते हो और आराम से क्रिएट भी कर सकते हो। सो वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल कर दे। इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेकअप करने से पहले हम CTM करेंगे। क्लिंजिंग मेरा हो गया है और अभी मैं डाबर गुलावरी का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ एज ए टोनर। इसके बाद मैं पॉन्स का एक क्रीम यूज़ कर रही हूँ एज ए मॉइस्चराइज़र। ये हमारे फेस को ग्लोइंग एंड सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। लिप बाम के लिए आज हम अप्लाई करेंगे मिस क्लियर की ये लिप बाम। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा CTM। अब चलते हैं मेकअप की तरफ। इसके बाद हम पतंजलि का ये एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे एज ए प्राइमर। 100 रुपीज़ के अंदर मुझे इससे अच्छा और कोई प्राइमर नहीं मिला। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे गार्नियर का ए बीबी क्रीम एज ए सनस्क्रीम और बेस। मैं अलग से कोई सनस्क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें SPF 24 है और मुझे रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर भी कहीं नहीं जाना है। लेकिन अगर आपको घर से बाहर जाना हो तो आप और भी ज़्यादा SPF का सनस्क्रीम यूज़ कर सकते हो। पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अब पॉन्स का ए रोज़ पाउडर। आज हम आई शैडो के लिए यूज़ करेंगे मेबेलिन फिट मी की सैसे लिपस्टिक, जो है अंडर 100। और यहाँ से मैं 01 सेट को अपने पूरे आई लिड पर अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। फिर से मैं लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करते जाऊँगी। आज मैं काजल के लिए अप्लाई कर रही हूँ एलिटिन का काजल। इसे मैं अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का वाटरप्रूफ मस्कारा। इससे मैं 2-3 कोट अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एप्लीकेटर में जो बचा कुचा प्रोडक्ट है उसी को मैं अपने आईब्रो पे अप्लाई करूँगी। आज मैं कोई आईब्रो पेंसिल या पाउडर आईब्रो पे नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे आईब्रो नेचुरली रखना है। अब सेम तरह से हम दूसरे आई पे भी सब कुछ अप्लाई कर लेंगे। ब्लश के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सैसे लिपस्टिक, जिसका सेड है 06। लिपस्टिक के लिए पहले मैंने मेबेलिन का 06 एंड 02 अप्लाई किया, बट मैं जो सेट चाहती थी वो नहीं आया, इसलिए मैंने दोबारा नायका का मिनी लिपस्टिक यूज़ किया।